को कीजिए दंडवत, सतगुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप क्षमा। शौर्य पुत्रो उद्रिग देई विशालाक्षा सुप्रिया, मंदाचारो प्रश्नहरतम पीड़ाहरतम मे शनि। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। कैसे हैं आप सभी लोग? जीवन की संपूर्ण धारा को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते, आपके दर्द को छीनने आता हूं, आपकी परेशानी का हल लेके आता हूं, और तब भी आप मुरझाए हुए बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा? मुस्कुराइए, मेरे साथ रहना है और कुछ पाना है, और पाना है तो फिर मुस्कुराना पड़ेगा, और तो कुछ मांगा नहीं आप लोगों से। हमेशा एक बात कहता हूं कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ये अद्भुत समय है मेरे पास, और ये 20 मिनट मैं आपके साथ रहूंगा। श्रद्धा से आया हूं, चाहता हूं कि ये दोनों आंखें मेरे पे टिकी रहे, और हरि ओम तत्सत जय शनिदेवा। और है आपके पास परेशानी तो विश्वास करेगा उसका हल लेके आता हूं, हर समस्या का समाधान लेके आता हूं, हर दर्द की दवा लेके आता हूं। आंखें मत हटाइए। हरि ओम तत्सत जय शनिदेवा। आपका दिन कैसे शुभ, आपके जीवन में कैसे खुशियां आए, समृद्धि की कैसे बढ़ोतरी, ये लेके आता हूं। और आज तो मंगलवार का दिन है, आज तो हनुमान जी का दिन है, आज तो बजरंगबली का दिन है, अद्भुत दिन है। बजरंगबली को कैसे खुश करें कि कष्टों से छुटकारा मिल जाए। आज का जीवन मंत्र, और यदि मोटापा बहुत हो गया है तो अद्भुत देसी नुस्खा, और इसके साथ साथ धनवर से उपाय बताऊंगा। नमो नारायण। लेकिन उससे पहले मंगलवार के पंचांग की बात करते हैं। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2071 ज्येष्ठ मास की 14 प्रविष्टि, सक संवत 1936 ज्येष्ठ 6 तद अनुसार 27 मई सन 2014। और मंगलवार का पातकाली नक्षत्र भरणी नक्षत्र चंद्रमा मेष राशि में, और मंगलवार का राहुकाल दोपहर 3 बजे लेकर 4:30 बजे। और राहुकाल दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, सलाह मेरी और मर्जी आपकी। नमो नारायण। और बात करते मंगलवार की यात्रा की। शास्त्रों का ऐसा कहना है, मनुष्यों का ऐसा कहना है कि मंगलवार के दिन यदि पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से करें तो बड़ा शुभ रहेगा। और मैंने जो अनुभव किया, मैं कहता हूं कि आप मंगलवार में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं जाए, मैं नहीं रोकता आपको, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि हनुमान जी के सिर चरणों से सिंदूर लेकर आप अपने मस्तिष्क पर लगा दीजिए, और थोड़ा सा गुड़ गरीब कन्याओं में बांट दीजिए, और गुड़ का सेवन करके तब यात्रा पर जाइएगा, यात्रा जरूर मंगलमय रहेगी। नमन। और बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह है। आपका जन्मदिन है आज या आपकी शादी की सालगिरह है, तो सर्वप्रथम तो दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, देवाधिदेव शनिदेव आप पर मेहरबान रहे, आनंद और परमानंद से आपका जीवन भरा रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ। 27 मई आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है और आपके जीवन में परेशानी है तो मैं आपके साथ हूं। हर रोज नित्य कर्म से निवर्षिनान उपरांत ओम क्राम क्रीम क्रोम शब होमाय नमः, ये मंगलदेव का बीज मंत्र है। ओम क्राम क्रीम क्रोम शब होमाय नमः, मंगलदेव के बीज मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी के श्री चरणों में पुष्प गुलाब के अर्पित कर दीजिए 108। तत्पश्चात एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में धारण कर लीजिए, और लगातार 40 दिन इसी मंत्र का जाप करते हनुमान जी के श्री चरणों में गुलाब के पुष्प अर्पित करेगी, हर परेशानी हर दर्द हर मुश्किल आसान हो जाएगी, ये मेरा परखा हुआ है। नमो नारायण। और हमेशा जीवन के अनुभव की बात लेके आता हूं आपके पास, क्योंकि चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, भोजन की चर्चा करने से भूख नहीं मिटेगी, और पानी की चर्चा करने से प्यास नहीं, यात्राओं के बारे में चर्चा करने से, माइलस्टोन की चर्चा करने से यात्रा नहीं पूरी होगी, हमें चलना होगा। हमारा ज्ञान तभी सार्थक होगा जब हम उस पर अमल करेंगे, उसे व्यवहार में लाएंगे, और ज्ञान ही प्रकाश है।
और ज्ञान ही समाज के अंधकार को मिटा सकता है। जरूरत है आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और सच्चे सद्गुरु की, प्रयत्न की और प्रार्थना की। अपने से जितना भला हो सके, जितना भला हो सके उतना भला करिए, क्योंकि उसी में अपना भला है। इस ज्ञान को जानकर अनुभव करते हुए जीव दया का दिल में भाव जरूर रखना चाहिए। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष ऐसे दुर्गुण हैं जो हमें भीतर से खोखला करते हैं। और यह मत समझना कि दाती महाराज में नहीं है, लेकिन कम से कम हावी होने देता हूं। और आपसे भी कहता हूं कि कम से कम झूठ बोलो, कम से कम छल के आसपास रहो, कम से कम कपट करो, कम से कम ईर्ष्या करो और कम से कम द्वेष करो, जितना हो सके कम करो, क्योंकि परिपूर्ण कोई नहीं है मेरे बच्चों। क्योंकि ये पांचों चीजें हैं ना, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये ऐसे दुर्गुण हैं जो हमें भीतर से खोखला कर देंगे, हमारी जड़ें कम, हमारी बुनियाद कमजोर कर देंगे, हमारे चिंतन को विकृत कर देंगे। हमें इससे बचना होगा। और सद्गुण, प्रेम, करुणा, दया, शनै, श्रद्धा, ये जो भाव है ना, ये सद्गुण है। सदाचार, ये हमारी सुख समृद्धि और हमारी प्रसन्नता के पोषक है। हमें इन्हें प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसके लिए हम अपने जीवन में सदैव कोशिश करनी होगी कि कैसे हमारे अंदर सदाचार आए, कैसे हमारे अंदर करुणा आए, और कैसे हमारे अंदर दया आए, कैसे हमारे अंदर स्नेह आए। और जब यदि गुरु महाराज आपको मिल गए, वो ज्ञान आपको बता दे, वो अमृत का अमृत की बूंद आपको चुका दी, वो ज्योत के दर्शन आपको करा दी, वो नाद आपने सुन लिया, वो सुमरण आपने के लिया, तो बाकी अपना पर ऐसा कोई सद्गुरु मिले जो आपको ये समझा दे, बाकी सारे काम हो जाए। फिर भी अपन को कोशिश करनी होगी। लेकिन दुख इस बात का कि लोग बाहरी दुनिया की चकाचौंध में सत्य की बुनियाद की उपेक्षित करने जा रहे हैं, जो चकाचौंध उसमें सत्य की बुनियाद को उपेक्षित कर रहे हैं। सत्य हमारी बुनियाद है, उसको स्वीकार करने का उपदेश मेरे गुरु महाराज जी ने दिया और मैं भी आपको कह रहा हूं। शरीर को मिथ्या जानो, ये कुछ दिन के लिए मिला है आप लोगों को, जो सदा के लिए है वो है शरीर को चलाने वाला भीतर का वो तत्व जिसे आत्म तत्व का है। इसको जानो, गुरु महाराज की शरण में रहो और भजन करो, आपका कल्याण होगा। बड़ा अच्छा लगता है मुझे आप लोगों को कुछ कहने का। मैंने कहा था ब्रेक के बाद बताऊंगा, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें, बजरंग बली को कैसे प्रसन्न करें। मंगलवार का दिन है, आज के दिन हनुमान जी की आराधना का दिन है, और हनुमान जी की आराधना करने से भक्ति भाव प्रबल हो जाता है, दुर्घटनाएं समाप्त हो जाती है, जीव आनंद और परमानंद की लहर में रहता है। जो जीव भी हनुमान जी के चरित्र का आचरण करते हुए हनुमान जी की आराधना करता, हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण था कि उनके अंदर द्वेष नहीं था। हनुमान जी चलते फिरते प्रेम के सागर थे, हनुमान जी चलते फिरते सेवा का सागर था। हनुमान जी ने मोक्ष नहीं मांगा, भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेव बन के दे, और कछु नहीं चाहिए, निस्दिन तुम्हारी सेवा चाहिए। आज उनका राज नित्य क्रम से निरोचनान उपरांत उनकी हनुमान जी का ध्यान करते हुए शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें, शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें, चमेली के तेल में सिंदूर घोल दें, हनुमान जी का ध्यान करते हुए, हनुमान जी का स्मरण करते हुए, हनुमान जी की अद्भुत छवि को निहारते हुए हनुमान जी को चोला चढ़ा, तत्पश्चात मिट्टी के दीप में चमेली का तेल भरकर आप वहां पर दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। ओम महाबलाय नमः, ओम महाबलाय नमः, इस मंत्र की तीन माला जाप करिए, तीन माला जाप कर दीजिएगा, दुर्घटनाएं नहीं आएगी, मन विचलित नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं आएगा, बाधाएं नहीं आएगी, रुकावटें नहीं आएगी, हर कार्य बड़ी सरलता से आपका बन जाएगा। हे मेरे मित्रों, हनुमान जी को राम भक्त कहा है, वानरों का अधिपति कहा है, तो
तो उन्हें बंदर समझ लेना हमारी मूर्खता है। चंद तथाकथित पढ़े लिखे लोग उनको जो मन में आते कह देते हैं। इस प्रकार की सोच गलत है, क्योंकि वे असाधारण दिव्य देवता थे। ये मैं मानता हूं कि उन्हें मूर्तियों में बंदर जैसे दिखाया जाता है, उस आकृति में उकेरा जाता है, किंतु ये हमारी सनातन धर्म की सांस्कृति, प्रतीकों उपासना हमारी संस्कृति है। उदाहरण के लिए हम किसी मिट्टी के पिंड या सुपारी में विविध देवी देवताओं को आह्वान करते हैं, स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनका पूजन करते हैं। उसका अर्थ ये नहीं होता कि देवी देवता वैसा ही होता है। इसलिए चित्रों और मूर्तियों को वास्तविक मानकर हनुमान जी को कहीं बंदर मत समझ लेना। वो तपोनिष्ठ थे, सेवा भक्त थे, रामदूत थे। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी से बड़ा विद्वान कोई, चारों वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, प्राकरण व्याकरणाचार्य, शुद्ध भाषण, बुद्धिमता, कला में निपुणता, संगीत सम्राट थे। सभी विद्याओं का उन्हें ज्ञान था, सभी ज्ञानियों में वो अग्रणी थे। उनके गुणों को पाया जाना या गुणगान करना इतना संभव नहीं, ये बुद्धि नहीं काम करती। इसलिए रामायण में जिन चरित्रों का चित्रण किया है, हम उनके रूप स्वरूप को अपनी अंतरात्मा में उतारे और नई सिद्धि के सामने हनुमान जी के चरित्र के वैज्ञानिक ढंग से रखने की आवश्यकता को महसूस करें। क्या है हनुमान जी, जब कभी मौका मिलेगा तो और समझाऊंगा, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति इतनी कमजोर नहीं है। हम प्रतीक रूप में बहुत कुछ मान लेते, लेकिन उनका वास्तविक यदि जीवन हमें समझ में आ जाए तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे मित्रों, यही समझाते रहता हूँ। कुछ लोगों ने कहा मेरे से कि दाती महाराज, हमारे पास समस्या बहुत है और हम आपसे मिल नहीं पा रहे, तो क्या करें। मैं शनिवार के दिन श्री शनिधाम, शनि तीर्थ, असोला, फतेहपुर में रहता हूँ। ये कुतुब मीनार से 7 से 8 किलोमीटर आता है। और यदि आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो 9717457565 इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी कर लीजिए। कुछ भी जानना है www.shanidham.in, इस पे सारे नंबर है, सारी जानकारियां। और बात करते हैं आज के सुझाव की। आज मंगलवार का दिन है और कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज हमारे काम रुक जाते हैं, बनते बनते काम रुक जाते हैं। आज मंगलवार में यदि आपके बनते बनते काम रुक जाते हैं तो सभी लोग 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म जो स्नानों उपरांत गुड़ से बनी मिठाइयां हनुमान जी को भोग लगाए और गरीबों में बांटते, संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, नमो नारायण। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खे की। ये जो ये टोटके हैं www.shanidham.in पे मिल जाएंगे। बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों की। कुछ लोगों ने मुझसे कहा दाती महाराज मोटापा बहुत हो गया, छुटकारा चाहते। इस दुनिया बड़ी परेशान है, कुछ पतले से परेशान है, कुछ मोटों से परेशान है। तो अच्छे पके ताजा 2 लाल टमाटर सुबह सुबह सेवन किया करें, या यदि टमाटर का सूप आप सेवन करें, थोड़ा सा काली मिर्च डाल के, थोड़ा सा नमक डाल, सेंधा नमक डाल के प्रतिदिन सेवन करिए, मोटापा कम होने में बहुत सहयोग मिलेगा और शारीरिक सौंदर्य बढ़ जाएगा, शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी। मोटापा कम करने के लिए प्रतिदिन 10 ग्राम सिरिज के बीजों का चूर्ण सेवन कर लीजिए। 10 ग्राम सिरिज के बीजों का लगातार 10 दिन या महीने भर आप सेवन करके देखिए, चर्बी अपने आप कम हो जाएगी। बस खाली जब आप सिरिज का सेवन करें तब आप गाय का घी खा सकते हैं, बाकी किसी का घी नहीं खा सकते, मार्केट का घी नहीं, गाय का घी खा सकते हैं। आप दुबले हो जाएंगे, शरीर ठीक हो जाएगा। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे, सारे नुस्खे www.shanidham.in या फिर मेरी शनि जो मेरी फेसबुक है श्री शनिधाम शनि शत्रुघ्न मित्र पर मिल जाएंगे, नमनान। और बात करते हैं आज के उपाय की। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही तो क्या करें, धन की प्राप्ति नहीं हो तो क्या करें। तो हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद एक जटा वाला नारियल ले लीजिए, 1.25 मीटर लाल कपड़ा उस पर लपेट दीजिए, श्रद्धानुसार दक्षिणा रख दीजिए, अपने ऊपर 7 बार उसार कर सूर्य उदय से पूर्व किसी मंदिर में रख के आ जाए, या सदाचारी ब्राह्मणों को दान, ऐसा 40 शनिवार कर दीजिए, कारोबार में अवश्य वृद्धि होगी, नमो नारायण। ये टोटके मेरे अनुभव के हैं और ऐसा नहीं कि मैं कहीं आप पर लाद रहा हूं, मैं लाद नहीं रहा हूं, मानना और नहीं मानना आपका काम, बताना मेरा धर्म है, बताना मेरा धर्म। और टोटकों पे जितनी किताबें मैंने लिखी है, इस चैनल पे जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, ये सारे दाती उपाय खंड में
मैंने लिखे ऐसे 12 उपाय खंड है, 5 अद्भुत देसी नुस्खे हैं। शनि उपासना क्यों और कैसे, शनि व्रत करता, शनि समग्र दर्शन, साढ़े साथी भाव में शनि बहुत लिखा है। घर बैठे आप साहित्य और दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली मंगा सकते हैं www.shanidham.in पे जाकर। दाती दर्शन के लिए नमो नारायण। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। आप सभी लोगों ने प्रभु के दर्शन किए, प्रभु आपका कल्याण करे, शनिदेव हमेशा आप पे मेहरबान रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना, मेरा आशीर्वाद आपके। आज गुरुवाणी में इतना ही, कल गुरुवाणी में गणपति को कैसे प्रसन्न किया जाए ये लेके आऊँगा। भगवान गणपति को कैसे प्रसन्न किया जाए, विशेष मंत्र, विशेष सुझाव, विशेष जीवन मंत्र, अद्भुत देसी नुस्खे और धनवर से उपाय। लेकिन आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमो नारायण।